आपको रूबरू करा दे जहां पर सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, गेटो नाइट से बड़ी खबर, ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा से खबर, टक्कर लगने के बाद ट्रक में आग लग गई, आग लगने से एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा हादसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया, हालांकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये बड़ी खबर, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि एक ट्रक में आग लग गई, आग में एक व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हादसे की, जहां पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मारी थी और उसके बाद ट्रक में ही भीषण आग लग गई, आग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो हादसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर टक्कर लगने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है जहां पर पीछे से एक ट्रक ने अन्य ट्रक को जोरदार टक्कर मारी थी और टक्कर लगने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और इस आग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे व्यक्ति को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हादसे की, जहां पर एक ट्रक ने पीछे से दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी और टक्कर लगने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और इस आग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक ने ट्रक को टक्कर मारी है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देर रात का मामला, जो कि एक ट्रक थे, जो कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे, आपस में टक्कर हो गई है, उसी दौरान भीषण सड़क हादसा हुआ है। हालांकि अभी एक व्यक्ति है जो कि गंभीर रूप से आग से झुलस गया है, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया था, कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है। रजत, फिलहाल जो घायल व्यक्ति है उसकी क्या कुछ स्थिति है, इसके साथ ही कौन है इस हादसे का जिम्मेदार, कौन सा ट्रक चालक, क्या उसको गिरफ्तार किया गया? में एक दूसरे को क्रॉस करना चाह रहे थे, उसके दौरान यह हादसा हुआ। जो घायल व्यक्ति है वो फिलहाल ठीक है, उसका अस्पताल में इलाज, जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल जो ट्रक चालक थे, एक ट्रक चालक को पुलिस ने पूछताछ के लिए अभी हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल रजत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।